क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में दंगे करवाना चाहते हैं? क्या वो हरियाणा में गृह युद्ध के हालात पैदा करना चाहते हैं? क्या वो एक इस तरह के ग्रुप को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो लठ के बल पर, जी हां लठ के बल पर आंदोलनकारी किसानों से टकराए? ये जो तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं, इनका आधार खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान है। वो बयान जो मनोहर लाल खट्टर खुद बीजेपी की एक मीटिंग में सरेआम दे रहे हैं, शायद बीजेपी किसान मोर्चा की या भाजपा के किसानों की कोई मीटिंग थी, खुद मनोहर लाल खट्टर के आवास में वहां पर लोगों को संबोधित क्या कर रहे थे, एक तरह से खट्टर साहब उकसा रहे थे। वो कह रहे थे कि नए नए किसानों के कुछ संगठन उभर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, और खासतौर पर उत्तर और पश्चिम हरियाणा में, उत्तर और पश्चिम हरियाणा में इस तरह से अपने लोगों का 400-500 हजार लोगों का ग्रुप बनाओ और फिर लठ उठा लो। लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ, थालो ठंडे। एक सूबे का मुख्यमंत्री सरेआम लोगों को कह रहा है कि डंडे उठा लो, जी हाँ डंडे उठा लो, और हंस रहे हैं इस बात को कहते हुए। ये मजाक नहीं है, ये क्रूर मजाक है, और ये मजाक हो रहा है हरियाणा के साथ, हरियाणा की जनता के साथ, जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हरियाणा 3-4 बार दंगों की आग में झुलस चुका है। वो मुख्यमंत्री क्या एक बार फिर उसी आग में हरियाणा को झुलसाना चाहते हैं? हौसला देखिए मुख्यमंत्री का, और हौसला बढ़ाना देखिए। कह रहे हैं कि जब डंडे उठाओगे तो फिर जमानत की परवाह मत करो, जमानत की कोई जरूरत नहीं है, जेल में होके आओ, जेल जाने से बड़े नेता बनोगे। जब उठाओगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो, महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी, अगर 2-4 महीने वहां रहा होगा तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। जाहिर है इस बयान के बाद सफाई आएगी मनोहर लाल खट्टर की कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मेरा कहने का मतलब कुछ और था, कुछ और मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को जो लोग सुन रहे थे उन्हें भी पता था कि खट्टर साहब जो करने के लिए उन्हें कह रहे हैं वो अपराध है, इसीलिए तो ये अपराध करने के बाद उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। सवाल मनोहर लाल खट्टर से नहीं है, क्योंकि उनके लिए दंगे कोई नई बात नहीं है। जिस तरह के वो हालात एक बार फिर पैदा करना चाहते हैं शायद हरियाणा में, वो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। सवाल अमित शाह से है, सवाल नरेंद्र मोदी से है, जिन्होंने ऐसे शख्स को हरियाणा के ऊपर बैठा रखा है। सवाल जेपी नड्डा से है, जिनकी पार्टी ने ऐसे शख्स को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना रखा है। सवाल उनसे है, क्या आप लोगों की जो वर्कर मीटिंग होती है उसमें इस तरह के गुर सिखाए जाते हैं आपके कार्यकर्ताओं को? क्या आपके कार्यकर्ताओं को उकसाया जाता है डंडा उठाने के लिए, इस तरह का काम करने के लिए, जिसके बाद उन लोगों को जेल में जाना पड़े? सवाल है बीजेपी कल्चर से कि क्या आप लोगों का ये मानना है, क्या ये आपकी ऑफिशियल लाइन है, कि अपराध करके जेल में जाने से ही आपके यहां पर बड़े नेता बनते हैं, ये जो मीटिंग होती है उसमें कुछ निकलता नहीं है, उससे ज्यादा आप जेल में जाके सीखते हैं? और आखिर में सवाल है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, सवाल है उन लोगों से जो मुख्यमंत्री की इस मीटिंग में मौजूद थे, सवाल है कि क्या आप लोग ऐसा ही करने जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने आपको कहा है, जिस तरह से आपको मुख्यमंत्री प्रोत्साहित कर रहे थे, उकसा रहे थे? और सवाल है इन कार्यकर्ताओं के परिवारों से कि क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग डंडा उठाएं, इस तरह का काम करें, किसानों के साथ टकराव करें जिससे उनको जेल में जाना पड़े, और फिर आपको सच में ही लगता है कि आपके परिवार के ये सदस्य बड़े नेता बन जाएंगे?